साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम शहर शहर खबर खबर में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस सिक्के पर नए संसद भवन परिसर की तस्वीर छपी होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन परिसर का उद्घाटन करेंगे। वहीं वित्त मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक यह 75 रुपए का सिक्का गोलाकार होगा और इसका क्षेत्रफल 44 मिलीमीटर का होगा। इस सिक्के के किनारों पर 200 कंगूरे बनाए गए हैं। साथ ही इस सिक्के को 50% चांदी, 40% तांबा और 5% जिंक से मिलाकर बनाया जाएगा। तो 75 रुपए का सिक्का जारी करेगी केंद्र सरकार की तरफ से। 28 मई को नए संसद भवन के उपलक्ष्य में उद्घाटन के दौरान 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा, जिसको बताया जा रहा है कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा उसके उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। तो 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 75 रुपए का सिक्के में नए संसद भवन की तस्वीर छपी होगी, जिसका उद्घाटन 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन 28 मई को की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जिसके उपलक्ष्य में 75 रुपए का नया सिक्का जारी किया जाएगा। तो 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, जिसके उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का अब जारी किया कर दिया जाएगा। 28 मई को 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 75 रुपए के सिक्के में नए संसद भवन की तस्वीर छपी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही जुड़ चुके हैं। विवेक, 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 28 मई को भारत को उसकी आजादी के लिए एक नया हाईटेक संसद भवन यानी पार्लियामेंट्री हाउस मिलने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो विरोध में है। अगर देखा जाए तो 20 राजनीतिक पार्टियां ऐसी है जो इसमें केंद्र सरकार का विरोध कर रही है, वही 16 राजनीतिक पार्टियों का केंद्र सरकार को समर्थन प्राप्त है। इस अवसर पर और आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 रुपए का बकाया सिक्का जारी किया गया है। देवनागरी भाषा में, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा जाएगा। अगर बात करें तो इस 75 रुपए का जारी हो रहा है वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह और आजादी के आजादी का अमृत महोत्सव ये सरकार कहती है, सरकार ये क्या क्या बनाती है उसके वक्त में जारी किया जाएगा। बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से सिक्के के जारी करने की घोषणा की गई है। बकायदा संसद भवन के परिसर की तस्वीर भी छपी होगी। इमेज जो है एक तरफ पर इंकित होगा। अगर बात करें तो ये सिक्का देखने में कैसा है, इस पर अगर थोड़ा सा विस्तार दें तो ये 75 रुपए का जो सिक्का है वो एक गोलाकार है और उसकी जो आकृति है गोलाकार होने के साथ क्षेत्रफल 44 मिलीमीटर का होगा। अगर बात करें तो इस सिक्के को 50% चांदी से 40% तांबा, 5% निकल और बाकी 5% अन्य पदार्थों से मिला के बनाया गया है। यानी एक हिसाब से आज ही के दिन के लिए स्पेशल इसकी डिजाइनिंग की गई है। अगर बात करें तो सिक्के की बाई तरफ है वो देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा होगा। एक तरफ संसद भवन की जो नए संसद भवन है उसका एक छवि एक चित्र दी गई होगी और सिक्के का डिजाइन भारतीय संविधान के पहले अनुसूची के अनुसार में किया गया है। आजादी के बाद से भारत को और पहला हाईटेक पार्लियामेंट्री हाउस मिलने वाला है, जिसकी नींव जो है काफी समय पहले रख दी गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन भी करेंगे और सेंगुल की स्थापना भी जो सभापति होंगे उनके आसीन के पास की जाएगी। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इसका उद्घाटन समारोह जो है
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग होता है और संविधान का रक्षक होता है। विवेक, देखें नए संसद भवन के साथ नया ऐतिहासिक जारी किया जा रहा है, जिस तरीके से 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा, नए संसद भवन के साथ और क्या कुछ नया होने वाला है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी की थोड़ा दे दीजिए। नए संसद भवन में काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुराने संसद भवन से काफी अलग है। ये काफी हाईटेक होगा और सीटें जो है वो काफी ज्यादा होंगी, ऐसा कहा जाता है कि पुराना संसद भवन थोड़ा सा कन्वेंशन था, लेकिन इस बार इस संसद भवन काफी ज्यादा विस्तार से बनाया गया है। अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ भी सीटें बढ़ाई गई हैं, यहाँ भी स्पेस है। अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ भी बाकायदा स्पेस दिया गया और तमाम सारी सुविधाएं जो है हाईटेक सुविधाएं से ये संसद भवन लैस होगा। इसकी उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। नीट परीक्षा घोटाले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आयुष कॉलेज में फर्जी प्रवेश की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है और पूरे मामले की जद में पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी का नाम सामने आ रहा है। इनके अलावा अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी भी इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव प्रशांत त्रिवेदी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल आयुष विद्यालय में प्रवेश को लेकर हुई धांधली के संबंध में प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एसटीएफ का गठन किया था और इस मामले में एसटीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी, जिससे अदालत संतुष्ट नहीं हुई। तो आपको बता दें कि नीट परीक्षा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें आयुर्वेदिक कॉलेज ने अवैध एडमिशन लिए थे, जिसको लेकर सीबीआई के जांच के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने अवैध एडमिशन में सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। इसमें पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के भी नाम शामिल होने की नाम सामने आया। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक कॉलेज ने अवैध एडमिशन लिए थे, जिसमें नीट परीक्षा घोटाले को अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं नीट परीक्षा घोटाले को लेकर, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जिस तरीके से जो शिक्षा घोटाले की बात की जाए तो आयुर्वेदिक कॉलेज में अवैध एडमिशन को लेके या फिर नीट में अवैध एडमिशन को लेके जो तमाम प्रक्रियाएं शुरू की गई थी, उस पर अब सीबीआई जांच जो है बैठ चुकी है। अगर बात करें तो सीबीआई जांच के दायरे में पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी भी शामिल है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अवैध एडमिशन की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट का आदेश है कि इसमें सीबीआई बकायदा जांच करे और जांच करने वाला एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट को सौंपे कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। अगर बात करें तो नीट परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ ने आयुष कॉलेज के पखवाड़े को लेकर जो है सीबीआई को जांच करने की बात कर दी है, जिसके बाद नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा हम सचिव प्रशांत त्रिवेदी के मामले में हम फंसते नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी और प्रशांत त्रिवेदी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर सीबीआई को ये केस हैंड ओवर किया है और सीबीआई को बकायदा कहा गया है कि एक विस्तृत जांच करके हाईकोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपे किस प्रकार से कौन कौन से लोग इस परिवार में लिखे हैं। विवेक, इस पूरे मामले पे कॉलेज परिसर का क्या कुछ बयान सामने आया है? अगर बात की जाए तो कॉलेज परिसर जो है बयानों से अभी तक वो भाग रहा है, कोई अधिकारी बयान इस तरीके से नहीं मिल रहा है, लेकिन बकायदा उसकी जांच तो पुलिस सरकार ने भी कराने की बात कही थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपना लिया। हाईकोर्ट ने बकायदा सीबीआई की जांच की बात कह दी और मुख्यमंत्री के अलावा जो मुख्य सचिव है प्रशांत त्रिवेदी, अब उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये कदम उठाया है। अब सीबीआई जांच होगी, इसके बाद सारी चीजें निकल के आएगी कि इन लोगों के अलावा और कौन कौन से लोग हैं तो वो इसमें लिप्त है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यह फर्जीवाड़ा हुआ था, बिना परीक्षा दिए रुपये के लेन देन के मामले में प्रवेश दिया गया था, जिसके बाद
ये जो फर्जीवाड़ा है वो उजागर हुआ कि बस सरकार और हाईकोर्ट इनपे सख्त हो गए हैं। विवेक, कितने बच्चों की करीब करीब संख्या सामने आ रही है जिनका अवैध एडमिशन करवाया गया है? देखिए, बच्चों की संख्या दर्जनों में है जिनका अवैध तरीके से एडमिशन कराया गया है, और काफी अगर बात की जाए तो इनसे अच्छे खासे रुपए लेके बिना प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो है इनको एडमिशन दिया गया है, जो निश्चित तौर पर उन बच्चों के साथ धोखा है जो कई साल तक कोटा से लेकर दिल्ली तक तमाम तरह की तैयारियां करते हैं नीट परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, अपने दो दो के तीन साल लगा देते हैं नीट परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, उन बच्चों के भविष्य के साथ ये धोखा है, बच्चों को भविष्य को अंधकार में रख के ताक कर ये फर्जीवाड़ा किया गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ा फर्जीवाड़ा है जो हाईकोर्ट ने तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस आज चार्जशीट दाखिल करेगी। मालूम हो कि पुलिस ने इस हत्याकांड में माफिया अतीक अशरफ समेत कई लोगों का नाम चार्जशीट में दाखिल किया है, और कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन अब फिलहाल पुलिस कल इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं अगर बात करें अतीक अशरफ हत्याकांड के हत्यारों की, तो तीनों हत्यारों की आज पेशी होनी है। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर कल चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बताया जा रहा है अतीक अशरफ हत्याकांड के हत्यारों की भी वहीं आज पेशी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड में आज बताया जा रहा है कि चार्जशीट दाखिल की जाएगी, कौन कौन से लोग इस हत्याकांड में शामिल हुए थे, कौन कौन से लोग इस हत्याकांड में कौन कौन सी भूमिका निभाई थी, उसका पूरा ब्यौरा शामिल किया जाएगा। तो अतीक अशरफ हत्याकांड की बात करें तो तीनों हत्यारों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि कल उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। वहीं अतीक और अशरफ के हत्याकांड की बात करें तो तीनों हत्यारों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर चार्जशीट दाखिल की जाएगी, कौन कौन से लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल हुए थे, कौन कौन से लोग कौन कौन सी भूमिका निभाई थी, वो पूरी चार्जशीट में दाखिल की जाएगी। तो वहीं 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें अतीक और अशरफ का नाम सामने आया था, जिसको लेकर वहीं पर शाइस्ता परवीन की लगातार देखिए खोजबीन जारी है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार फरार चल रही हैं। गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश कर रही है एसटीएफ। वहीं अब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ पर चार्जशीट कल दाखिल की जाएगी। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में बताया जाएगा कि इस हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया गया था, कौन कौन से लोग इस हत्याकांड में और भी शामिल हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड के प्रकरण जारी है। आपको बता दें कि आज कल जो है चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को अंजाम दिया गया था। सरेआम जिस तरीके से उमेश पर गोलियां बरसाई गई थी, ताबड़तोड़ गोलियां सीसीटीवी कैमरे में सबको दिखाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़े हैं। कलीम, उमेश पाल हत्याकांड मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी है? चौबीस फरवरी के बाद से जिस तरीके से इस मामले में केस दर्ज हुआ था और जो आरोपी बनाए गए थे,
फिलहाल अब जो चार्जशीट दाखिल करने की बात आ रही है तो उस चार्जशीट में अतीक अहमद, अशरफ अहमद और उसके आप परिवार भी शामिल है। इतना ही नहीं, इसके साथ उसकी बहन की बात की जाए आयशा नूरी की, तो वो भी इस चार्जशीट में शामिल की गई। और इसके साथ जो वकील था खान सौलत, वो भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि इस चार्जशीट में जो कई आरोपी बनाए गए, या तो जो बात की जाए शूटर समेत जो अतीक अहमद का परिवार है और जो वकील है, इन सभी को शामिल किया गया। फिलहाल सभी पुलिस की गिरफ्त में है, बस जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है वो केवल जो गुड्डू मुस्लिम और साबिर और जो उसकी आयशा 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 नूरी है और इसके साथ जो सरिता परवीन, ये लोग फरार हैं, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल करने की बात सामने आ रही है, वो चार्जशीट कल दाखिल की जाएगी, तो चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चार्जशीट किस तरीके से दाखिल होगी। तो हो सकता हो सरिता परवीन है उसके ऊपर इनाम की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। और इसके बाद जो आयशा नूरी जो इस मामले में अभी फरार कर रही, जिसकी जो है कोर्ट में सुनवाई भी थी कि सरेंडर को लेकर के, लेकिन इस मामले के बाद भी अभी तक जो आयशा नूरी है उसने सरेंडर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उस पर भी इनाम जारी होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि जो इस मामले को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, इसमें कई जो आरोपी थे वो इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि अतीक और अशरफ का शूटआउट में मर्डर कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में जो बड़ी बात यह है कि जो चार्जशीट अब दाखिल होगी, उस चार्जशीट में अतीक अशरफ समेत जो इनकाउंटर में मारे गए उनके भी नाम शामिल है, और जो अतीक का परिवार है और उसका जो वकील था उसका भी नाम शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। लेकिन चार्जशीट की बात की जाए, चार्जशीट अब दाखिल करने की बात की जाए, लेकिन इसमें जो और लोगों के नाम शामिल होने की बात है, तो अभी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसमें और लोगों के नाम भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है जो अतीक की पत्नी भी है पूरे हत्याकांड में शामिल रही है, और शामिल होने के साथ साथ उसके ये असलहों का जो पूरा जखीरा था, जो असलह लोगों के पास मुहैया कराए गए थे, वो सायशा परवीन और गुड्डो मुस्लिम के सहयोग के असलह पहुंचे थे, जिन असलहों से जो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और उमेश पाल की हत्या के दौरान दो पुलिस जवानों को भी मौत की नींद सुना दी गई थी, जो उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। फिलहाल इस मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन कार्रवाई में सफलता नहीं मिल पाती, और इसके लिए जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी थी उस चार्जशीट दाखिल करने का समय भी नजदीक आ गया, और इसी बीच वो चार्जशीट भी अब कल कोर्ट में दाखिल होगी। कलीम, आपने बताया कि इनाम की जो धनराशि है वो बढ़ाई जा सकती है। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहे हैं, और किन किन लोगों पर इनाम की राशि बढ़ाई जा सकती है? देखिए नंदनी जी, इस मामले में अगर हम थोड़ा सा आपको प्रकाश डालेंगे इस खबर को लेकर के, तो इसमें तो मामला ये है कि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम और साबिर जो शूटर है, इन लोगों के खिलाफ तो 5 लाख का इनाम जारी है, लेकिन मामले की जो मास्टरमाइंड बताई जा रही है, जो साजिश कर्ता बताई जा रही है, वो शाइस्ता परवीन बताई जा रही है। क्योंकि शाइस्ता परवीन इस मामले को लेकर शुरुआत से ही लगातार मॉनिटर कर रही थी, लगातार लोगों को जो है इस मामले को लेकर जिस तरीके से नजर चला रही थी, उसको लेकर शाइस्ता परवीन पर जिस तरीके से 50,000 का इनाम जारी किया गया था, उसके बाद से लगातार वो फरार चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की जाएगी, तो चार्जशीट दाखिल करने के बाद शाइस्ता परवीन पर भी इनाम की धनराशि बढ़ाए जाने की मांग की जा सकती है, और हो सकता हो उस पर इनाम की धनराशि भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, जो अतीक अहमद की बहन है आयशा नूरी, इसका जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें उसका पति डॉक्टर इखलाक की उसका जो तस्वीर में देखा गया था, वो गुड्डू मुस्लिम का पूरा सहयोग कर रहा था, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम डॉक्टर इखलाक के पास पहुंचा था और उसको सीसीटीवी में कैद हुआ था, उसके बाद डॉक्टर इखलाक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आयशा नूरी उस समय गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर इखलाक को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आयशा नूरी इस मामले से फरार हो गई थी, उसको लेकर के भी लगातार पुलिस सर्विस दे रही थी, लेकिन किसी तरह से सफलता नहीं मिल पाई थी। फिलहाल आयशा नूरी पर किसी तरह की इनाम की धनराशि नहीं जारी की गई, लेकिन प्रयास ये भी है कि जब चार्जशीट दाखिल होगी, क्योंकि गिरफ्तारी में किसी तरह की सफलता नहीं मिली, उसके बाद बात की जाए जिस तरीके से जो कोर्ट में उसने सरेंडर करने को लेकर अर्जी डाली थी, उस पर भी सुनवाई हो रही थी, उस दौरान भी पुलिस ने पूरा घेरा बना रखा था कि अगर आयशा नूरी कहीं भी नजर आती है तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन किसी तरह की सफलता नहीं मिली। तो कयास ये है कि आयशा नूरी पर भी इनाम की धनराशि जारी हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो उसका साजिश करता, यानी कि जो अतीक अहमद का पूरा केस देता था वकील, उस पर भी उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी, जीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है, लेकिन जो उसकी पत्नी की बात की जाए, वो भी अभी इस मामले से फरार है, क्योंकि उस पर भी इनाम की धनराशि कही जा सकती है, क्योंकि ये 3 महिलाएं ऐसी हैं जो अभी तक इस केस से जुड़ी हुई कड़ी है, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्योंकि इन तीनों कड़ियों के गिरफ्तार होने के बाद कई अहम राज भी खुल सकते हैं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम और साबिर शूटर की कहानी सभी को शेयर में मालूम है कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि साबिर जो शूटर है वो लगातार उसका एक अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा है, शाइस्ता परवीन के साथ, क्योंकि उसका पहरा बना हुआ है, लगातार उसको जो है
इंडस्ट्री के रुख उसके साथ चल रहा है, क्योंकि फायर की तरह उसके साथ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फायदा परवीन पूरी तरीके से अपने आप को उसके मामले में सेफ समझ रही है और वो लगातार पुलिस को चश्मा देते हुए फरार कर रही है। क्योंकि चार्जशीट की बात की जाए तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो आरोप होते हैं वो आरोप पत्र से दाखिल होते हैं, उसके बाद जो कोर्ट आदेश देती है, उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई और तेजी से बढ़ाती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद कई अहम इसमें जो है फैसले भी लिए जा सकते हैं, जैसे इनाम की धनराशि होना, क्योंकि लुकआउट नोटिस जारी है, और इस तरीके से कई ऐसे फैसले हैं जिसके बाद पुलिस और एक्टिव हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सारिता परवीन और आयशा नूरी समेत जो स्कूटर है उन सभी के खिलाफ यूपी पुलिस का हर सिपाही हो, अधिकारी हो, दरोगा हो, सभी लगे हुए। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ की जो एक बड़ी यूनिट मानी जाती है वो भी इस मामले में लगी हुई है, और जो इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए यूपी समेत इससे अन्य जो प्रदेश है वहां पर भी लगातार छापेमारी की, लेकिन किसी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन चार्जशीट के बाद क्या कुछ होता है यह भी निगाह बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास है उनमें अभी सफलता नहीं मिली है। लेकिन चार्जशीट में जो आरोप दाखिल किए गए इसमें एक बड़ी बात ये भी होगी कि जिस तरीके से जो आरोप दाखिल किए गए उसमें जो एक बार एक मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी भी चार्जशीट दाखिल होती है, जिसमें कहा जा रहा था कि जब अतीक और अशरफ की शूटआउट में हत्या की गई थी तो हत्या के दौरान साहिसा परवीन उस के जनाजे में शामिल होने की जो बात की जाती, लेकिन उस दौरान छह दिनों तक साहिसा परवीन प्रयागराज में ही अतीक के करीबी जो आसिन है उसके घर पर चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस हर जगह छान रही थी, लेकिन जो उसका इलाका है प्रयागराज वहां पर ही उसको नहीं तलाश रही थी। उसको लेकर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी उसमें जो साहिसा परवीन जी कलीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। भारतीय पुरातत्व विभाग से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने के वाराणसी के अदालत के आदेश और सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं के कई मुद्दों पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, साथ ही फैसला आने तक सर्वे कराने के वाराणसी के अदालत के आदेश पर लगी रोक बढ़ा दी थी। वहीं फैसला लिखाते समय कोर्ट ने कई बिंदुओं पर पक्षकारों के अधिवक्ता से स्पष्टीकरण के लिए फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। तो ज्ञानवापी मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर से सुनवाई की जा रही, हाईकोर्ट ने बहस के बाद सुरक्षित फैसला रख लिया था, इसके बाद आज फिर से ज्ञानवापी मामले को लेकर फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। आज ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगी। सुहानी, एएसआई के आधार पर आज एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। हुआ था वही बता दो की संपूर्ण विशेषकर नाथ से याचिका दाखिल किया गया था और सबसे ये सुनवाई चल रही है और ये केस जो है सुस्ता ही चला जा रहा है। वही आपको बता दें कि अब ये 16 मई 2022 को एक जो जब प्रदर्शन किया गया तो उस माजी जो माजी बताया जा रहा है कि जनमामी परिषद ने एक गुहारे नामे पर पति बताया जा रहा है कि वहाँ पे तीन लिंग काफी धीमा बताया जा रहा है। तो वही जो हिंदू पक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो है विशेषकर जो शिवलिंग है, और वही मुस्लिम पक्ष ने अपनी तीन तरह से दावा किया, उनका ये कहना है कि ये एक गुहारे है ना कि एक शिवलिंग है। वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जो मस्जिद है वो हजारों साल से ये मस्जिद यहाँ पे है और आज भी है और बाद में भी रहेगा, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे कोई भी मस्जिद नहीं, यहाँ पे शिवलिंग नहीं था। उसमें ऑरेंज गेट का बात किया गया तो ऑरेंज गेट एक फ्रू नहीं था, वो कोई भी मंदिर नहीं करवाया था। साथ ही बहुत ये कहना है कि यहाँ पे कभी मंदिर भानी नहीं, इतिहास का भी पता चल बताया जा रहा है कि हजारों साल पहले से मुस्लिम का तो यहाँ पे उदय भी नहीं हुआ था, तो कैसे हो सकता है। वो बता दें कि आज जो है ये सारी की प्रदर्शन किया पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया, उनका मानना है कि अगर एएसआई का प्रदर्शन यहाँ पे होता है तो हमारा जो माहौल है भारत का वो बदल सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है। लेकिन वही हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर एएसआई का प्रदर्शन होता है, अगर दज्जाली का प्रदर्शन यहाँ पे होता है तो पता लग सकता है कि ये गुहारे है या शिवलिंग है। तो इसी को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली। आपको बता दें कि 16 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट पर याचिका दाखिल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इस याचिका खारिज कर दिया था। उनका ये कहना है
अगर इसके यहाँ पे सिलेक्टर होता है तो जो जो फुहारे है या सीढ़ी उसको माना जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं उससे बात आ सकती है और भी की उसे याचिका खारिज कर दिया था। लेकिन हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उनकी मंजूरी कर ली। अब इसका स्टाफ से ये कहना है कि अगर एएसआई का यहाँ पर सर्वेक्षण होता है तो पूरा मामला स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ कि आपको बता दें कि 2022 में चार महिलाओं ने मिलकर इससे याचिका दाखिल की थी। उनका मानना है कि श्रृंगार गौरी वहाँ पर जो मंदिर है उसको पूजा करने के लिए वहाँ पर मंदिर बताया जा रहा है। तो तमाम जो दीवार है वहाँ पे भी अतिथिया जो भगवान की अतिथिया देखने को मिल रही है। यहाँ तक जब वहाँ पे सर्वेक्षण किया गया तो यहाँ पे जो चंदन फूल माला ऐसी भी कुछ देखने को मिला। तो ये सब सबूतों को लेकर हिंदी पक्ष जो है वो हाईकोर्ट में अभी याचिका दाखिल की और साथ से तो ये कहना की अगर एएसआई का यहाँ पे सर्वेक्षण होता है तो ये मामला है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन हिंदी पक्ष लगातार रोक लगाने के लिए दावा कर रही है। उनका मानना है कि यहाँ पे एएसआई का सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए। वही उसी पक्ष ये भी कह रही है की जो 51 पेज का जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट सही तरह से नहीं है, ये कोई सबूत नहीं है। ये सबूत अलग अलग विभागों के थ्रू की वैज्ञानिक है उनका ये दावा किया गया है तो ये कोई सबूत नहीं होता है। अगर एएसआई का सर्वेक्षण होगा तो हमारे देश का माहौल बिगड़ सकता है। जी सुहानी, देखिए पिछली बार अदालत ने दोनों पक्षों का फैसला सुरक्षित रख लिया था। कितने बजे से ये सुनवाई आज शुरू होगी और कितने बजे खत्म हो जाएगी? जी हमने आपको बता दिया कि दोनों पक्षों का पूरी तरह से मानना सुनने के बाद जो हाईकोर्ट है वो पूरी तरह से उनका जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया था और आज इससे भी अहम फैसला आने वाला है। लेकिन अभी कोई जो ऊंचाई में वो पूरा सुनिश्चित नहीं किया गया, लेकिन आज ये फैसला आने वाला है। वही आपको बता दी कि जो हिंदू पक्ष के जो वकील है वो भी मौजूद रहेंगे वहाँ और जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनका दावा है कि अगर एएसआई समिति का जो सर्वेक्षण करने के लिए अगर आदेश आता है तो मामला साफ हो जाएगा। और उसी पक्ष को पूरी उम्मीद है कि इनका जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उनके तरफ आ सकता है क्योंकि तमाम जो सबूतें मिली है उनके पक्ष की है। और उसी पक्ष जो दावा कर रहा है कि हजारों साल पहले से ही मौजूद है, लेकिन वही इतिहासकारों में जब देखा गया तो ये हजार साल पहले से मुस्लिम उनका जो था वो भी नहीं हुआ था। तो इसलिए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। तो इसलिए आज देखिए क्या आज इससे आदेश आज जो हाईकोर्ट का जो फैसला है क्या फैसला आ सकता है वो तो आप आज ही पता चलेगा कि इससे क्या हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। और कीर्तन ध्वनि से स्वागत है। दूर दूर से कीर्तन ध्वनि से और अब मेरा निवेदन माननीय महापौर महोदया संपूर्णता ग्रहण कर ली है आपने शपथ ग्रहण करने के साथ ही नगर आयुक्त महोदय माननीय महापौर जी को गदा सौंपेंगे। मैडम भैया आप लोग मोबाइल नीचे कर लो भाई। गदा हाथ ऊपर कर लो, शक्ति का प्रतीक है। क्यों कर रहे हो यार? और ये नारी शक्ति के हाथ में गदा ये एक बहुत बड़ा अवसर है। माननीय पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, निवर्तमान महापौर वर्तमान महापौर के साथ में और आयुक्त लखनऊ मंडल, महिला शक्ति की एक बार प्रशंसा कीजिए तालियों से। तीनों ही महिलाएं हैं आपके सामने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब आशीर्वाद दिया
निवर्तमान महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी से, वर्तमान महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी ने, अब नगर आयुक्त महोदय गदा सौंपकर अभिनंदन करेंगे श्रीमती सुषमा खरकवाल जी महापौर। एक बार फिर एक बार आपके कर्तव्य ध्वनि की। ये है लोकतंत्र की शक्ति, शक्ति का प्रतीक गदा माननीय महापौर जी के हाथों में नगर आयुक्त सौंप रहे हैं। बहुत ही आनंदित और रोमांचित करने वाले ये पल। वाह, एक बार और महापौर महोदया थोड़ा सा और पूरा ऊपर उठाइए ऐसे करके। क्या बात है, और आइए अब आपके उत्साह में एक और जोड़, एक और योग बनने जा रहा है, वो ये कि महापौर महोदया अब माननीय नव निर्वाचित पार्षद गण को शपथ ग्रहण कराने जा रही पूरी है। गैलरी भरी हुई है, पूरी गैलरी भरी है। गाउन पहनेंगी और वो परिधान जो औपचारिक परिधान है जिससे गरिमा मर्यादा और शोभा में सभी श्री वृद्धि होती है, वो औपचारिक परिधान ग्रहण करने के बाद आप सभी नव निर्वाचित पार्षद माननीय पार्षद को शपथ ग्रहण कराएंगे और स्वागत कीजिए। प्रतिष्ठान में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निकाय चुनाव में बीजेपी ने जहां बंपर जीत दर्ज की थी, वहीं पर आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। नवनिर्वाचित मेयर अध्यक्ष सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर नगर निकाय में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत दर्ज की थी, जिसका आज शपथ ग्रहण चल रहा है। नवनिर्वाचित मेयर अध्यक्ष पदों का आज शपथ ग्रहण समारोह है, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 23 जून तक अनिवार्य रूप से नगर निगम सदन और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। बोर्ड बैठक से ही निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। पहली बैठक वर्ष में 2023-24 में निकायों में कराए जाने वाले कामों की कार्ययोजना तैयार करते हुए बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर शासन को 30 जून तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निकाय चुनाव में जीत दर्ज के सभी अध्यक्ष मेयर पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। नवनिर्वाचित मेयर अध्यक्षों सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। वहीं आपको बता दें कि 2024 और 23 के निकाय चुनाव में कराए जाने वाले कार्यों की योजना की तैयार करते हुए बैठक की जाएगी 23 जून को। बताया दिया जाता है कि बोर्ड बैठक से ही निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। शासन स्तर से इसी आधार पर निकायों की कार्ययोजना स्वीकृति की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें जिसके बाद 5 वर्ष का कार्यकालों की पूरी मैप तैयार की जाएगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता
को बनाए रखूंगी और जिस पद पर जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगी। और सभी को बधाइयां और हस्ताक्षर के लिए अपने अपने शपथ और प्रतिज्ञान पत्र पर हस्ताक्षर जरूर कीजिए, तब नगर निगम के अधिकारियों को सौंपिए अपने अपने प्रतिज्ञान पत्र। हस्ताक्षर अवश्य कर दें, कृपया सिग्नेचर कर दें और डेट डाल दीजिएगा सिग्नेचर करने के बाद। संपन्न हुआ था जिसका 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए गए थे, जिसमें आज नव निर्वाचित अध्यक्ष, मेयर पद, नव निर्वाचित सभी लोगों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की थी। वहीं पर आज नव निर्वाचित मेयर, अध्यक्ष पद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। आपको बता दें कि 23 जून तक अनिवार्य रूप से नगर निगम सदन और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। बोर्ड बैठक से ही निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है, जिसके बाद पहली बैठक में वर्ष 2023 और 24 में निकायों में कराए जाने वाले कामों की कार्य योजना तैयार करते हुए बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर शासन को 30 जून तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। शासन स्तर इसी के आधार पर निकायों की कार्य योजना स्वीकृति की जाएगी। तो नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। नव निर्वाचित मेयर, अध्यक्ष पद के सभी अधिकारी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं, जहां वो शपथ ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वहीं बता दें कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत दर्ज की है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए गए थे, जहां पर आज नव निर्वाचित मेयर, अध्यक्ष, सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि सभी नव निर्वाचित मेयर, अध्यक्ष, सदस्य वहां पर मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह में। आपको बता दें कि 23 जून तक अनिवार्य रूप से नगर निगम सदन और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत बोर्ड की बैठक भी बुलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद बैठक बुलाई गई है। बोर्ड बैठक से ही निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। पहली बैठक में वर्ष 2023 और 24 में निकायों में कराए जाने वाले कामों की कार्य योजना तैयार करते हुए बैठक बुलाई गई है। इसके बाद से ही ये शासन को 30 जून तक इसका पूरा रिपोर्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। शासन स्तर से इसी के आधार पर निकायों की कार्य योजना स्वीकृति की जाएगी। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। नव निर्वाचित मेयर, अध्यक्ष पदों के लिए शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वहां पर सभी नव निर्वाचित अध्यक्ष, मेयर पद सभी वहां पर उपस्थित हैं, जो कि शपथ ग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, मंच पे पूर्व मंत्री भाई विधायक गोपाल भैया जी, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे नगर अध्यक्ष माननीय मुकेश शर्मा जी एमएलसी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधायक उमेश द्विवेदी जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, माननीय पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जी,
पूर्व महापौर मेरी बड़ी बहन संगीता भाटिया जी, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोहर जी, पूर्व पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव जी, सुनील जी, केपी सिंह जी, दिवाकर त्रिपाठी जी, अन्य सभी राघवेंद्र जी, तिलोक अधिकारी जी, सभी अन्य सभी और सम्मानित कार्यकर्ता मंच, रजनीश गुप्ता जी, जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर जी, सम्मानित मंच में उपस्थित सभी को सम्मानित एवं सदन सभागार में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पत्रकार बंधु, सभी दलों से आए हुए पार्षदों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज इस मंच पर शपथ लेते हुए लेने और सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए जनता का, लखनऊ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रिय शहरवासियों, मैं पिछले 33 दशक से लखनऊ को बहुत करीब से देखा। इस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु पिछले 32 वर्षों से लखनऊ की जनता का सहयोग एवं आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे निरंतर बना रहा, किंतु इस बार वातावरण कुछ अलग है। इस बार जो शक्ति जनता ने हमें सौंपी है वह यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि जनता का स्नेह के साथ साथ हम सबको, मेरी पार्टी को, मेरे कार्यकर्ताओं को और अधिक जिम्मेदारी देने की तैयारी है। एक समय था जब लखनऊ शहर को सद्य अटल जी और एक दूसरे के पूर्वक थे। लखनऊ शहर अटल जी लखनऊ एक दूसरे के पूर्वक थे। लोग अटल जी को लखनऊ और अटल जी के लखनऊ के नाम से जानते थे। लोग क्या पूरा देश, पूरा विश्व अटल जी को लखनऊ, लखनऊ अटल जी का है जानते थे। अटल जी ने लखनऊ के विकास का जो पौधा रोपा था, आज वो विशाल वट वृक्ष की भांति खड़ा है। आज वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रगतिपूर्ण सोच और हमारे लोकप्रिय लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास एवं कुशल नेतृत्व ने इस विकास रूपी पौधे को वट वृक्ष के रूप में तैयार किया है। आज समय में हम यह अवसर दिया है कि इस विकास की गति को हम ट्रिपल इंजन की सरकार के 3 गुनी ताकत से रफ्तार से दौड़ाएं, जिसमें जनता का सहयोग, सभी पार्षदों का सहयोग मुझे चाहिए। लखनऊ को देश के बेहतरीन शहर में से हम एक शहर बनाएंगे। आज हम सब यह सब चुने गए प्रतिनिधि जो संविधान की शपथ लेते हैं, शपथ लेने के उपरांत हम सभी माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी और माननीय सभी पार्षद महोदय मिलकर वृक्षारोपण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस वृक्ष की विकास की तरह दिन रात गति देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको और शहर को एक नई शपथ दिलाना चाहती हूँ, सभी मंचासीन और सदन को शपथ एक नई सोच की, एस ओ सी
सकते हैं ओ नो सिंगल यूज प्लास्टिक सी शहर के स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन देना एच हेल्थ जब शहर स्वच्छ होगा तब शहर स्वस्थ होगा संपन्न होगा इन्हीं चार प्रतिज्ञाओं के साथ मैं और मेरे निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी आगे बढ़ेंगे और शहर को एक नई पहचान देंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निकाय चुनाव में जीते सभी नव निर्वाचित मेयर अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था अभी आपने देखा तस्वीरों में हम सुषमा खरकवाल जो है वो लोगों को संबोधित कर रही थी अपनी सहजता